वन करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हमारा जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट है, बिल्कुल सेम यही फॉर्मेट आपको कॉपीज पे ड्रॉ करना है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इलस्ट्रेशन वन। नितिन इन्वेस्टेड ₹50,000 कैश एंड 5 लाख बाय चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। 50,000 कैश से और 5 लाख चेक से, चेक का मतलब बैंक अकाउंट, बिजनेस स्टार्ट किया गया है। तो सबसे पहले कैश की एंट्री करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट कितने से? 50,000 से। तो 50,000 से हम कैश को डेबिट कर देंगे और 50,000 को ही हम कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसी में हमारी आगे एंट्री है 5 लाख बाय चेक टू स्टार्ट अ बिजनेस। 5 लाख बाय चेक का मतलब बैंक अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट कितने से? 5 लाख से। तो यहाँ पे 5 लाख अमाउंट डालेंगे, 5 लाख बैंक को डेबिट करेंगे और 5 लाख से ही कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेस्ड गुड्स फॉर 5,000 अगेंस्ट कैश। गुड्स खरीदे गए हैं 5,000 के कैश से। तो हमारा यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में कि परचेजेस अकाउंट हमारा एक्सपेंस होता है और उसे हम इंक्रीज होने पर डेबिट करते हैं। तो यहाँ परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश से गुड्स खरीदे गए हैं, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट कितने के गुड्स खरीदे गए हैं? यहाँ पे हमारे 5,000 के गुड्स खरीदे गए हैं। तो 5,000 से परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और 5,000 से ही कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेस्ड अ बिल्डिंग एंड पेड ₹2,50,000 बाय चेक। बिल्डिंग खरीदी गई है और चेक से पेमेंट की गई है 2,50,000 की। तो यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट बनाएंगे, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट चेक से पेमेंट की गई है, तो पे बैंक अकाउंट आएगा। चेक से पेमेंट की गई है तो टू बैंक अकाउंट कितने से पेमेंट की गई है? 2,50,000 से। तो 2,50,000 की बिल्डिंग खरीदी गई है, तो 2,50,000 और बैंक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 2,50,000 से। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मेसर्स हरी एंड कंपनी फॉर ₹1,00,000। मेसर्स हरी एंड कंपनी से गुड्स खरीदे गए हैं ₹1,00,000 के। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट किससे खरीदे गए हैं? मेसर्स हरी एंड कंपनी से। क्रेडिट पे गुड्स खरीदे गए हैं, तो यहाँ पे टू मेसर्स हरी एंड कंपनी कितने के गुड्स खरीदे गए हैं? 1,00,000 के। तो 1,00,000 से परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और 1,00,000 से ही मेसर्स हरी एंड कंपनी को क्रेडिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपए। तो यहाँ पे कैश आया, तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितने के गुड्स बेचे गए हैं? 50,000 के। तो यहाँ पे 50,000 को ही कैश अकाउंट से डेबिट करेंगे और 50,000 की सेल हुई है तो 50,000 को क्रेडिट करेंगे। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मेसर्स रमेश एंड कंपनी 25,000। क्रेडिट पे गुड्स सेल किए गए हैं मेसर्स रमेश एंड कंपनी को। तो यहाँ पे मेसर्स रमेश एंड कंपनी उसके नाम का अकाउंट बनाएंगे और उसे डेबिट करेंगे।
तो रमेश एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने के गुड्स बेचे गए हैं यहाँ पे 25,000 के, तो 25,000 को डेबिट करेंगे और 25,000 को ही क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है मैसेज रमेश एंड कंपनी रिटर्न गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 बीइंग डिफेक्टिव। मैसेज रमेश एंड कंपनी को जो हमने गुड्स सेल किए थे उसने 5,000 के गुड्स हमें वापस कर दिए क्योंकि वो डिफेक्टेड थे। तो जब हमने मैसेज रमेश एंड कंपनी को सेल की थी तो हमने एंट्री की थी यहाँ पे मैसेज रमेश एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हम इसी की रिवर्स एंट्री कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी, लेकिन यहाँ पे सेल्स अकाउंट नहीं, हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाएंगे। तो जब भी हमें गुड्स सेल किए हुए वापस हो जाते हैं तो हम सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो यहाँ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मैसर्स रमेश एंड कंपनी, कितने के गुड्स वापस किए हैं 5,000 के, तो यहाँ पे 5,000 के अमाउंट से डेबिट और 5,000 के अमाउंट से क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखेंगे गुड्स रिटर्न बाय मैसर्स रमेश एंड कंपनी रिटर्न टू मैसर्स हरी एंड कंपनी एट कॉस्ट प्राइस रुपीज 4,000। मैसर्स रमेश एंड कंपनी ने जो हमें गुड्स वापस किए थे वो हमने मैसर्स हरी एंड कंपनी को वापस कर दिए 4,000 रुपीज के, जिनकी कॉस्ट प्राइस 4,000 रुपीज थी। तो यहाँ पे हम एंट्री देखते हैं, एंट्री नंबर हमारी 4, यहाँ पे एंट्री 4 है जिस पे हमने परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मैसर्स हरी एंड कंपनी, यहाँ पे हमने उसे गुड्स खरीदे थे तब हमने एंट्री ये की थी। तो इसी में से 4,000 के गुड्स हमने मैसर्स हरी एंड कंपनी को वापस कर दिए जब हमने परचेजेस की एंट्री की थी, तो परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया था। अब परचेज रिटर्न अकाउंट हम बनाएंगे क्योंकि हमने उसे वापस कर दिए जैसे हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट बनाया था। तो यहाँ पे सेम मैसर्स हरी एंड कंपनी को डेबिट कर देंगे और परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो मैसर्स हरी एंड कंपनी डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो यहाँ पे परचेजेस रिटर्न अकाउंट बनेगा। और कितने के गुड्स वापस हमने किए उसे 4,000 के, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 4,000 है, हमने यहाँ पे 4,000 के गुड्स उससे खरीदे थे, 4,000 के गुड्स ही हमने उसे वापस कर दिए। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक रुपीज 15,000, सैलरी दी गई है स्टाफ को चेक से 15,000 की। तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट बनाएंगे, सैलरी हमारा एक्सपेंस है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट चेक से पेमेंट की गई है तो टू बैंक अकाउंट, कितने की पेमेंट की गई है यहाँ पे 15,000 की पेमेंट की गई है, तो 15,000 की एंट्री करेंगे हम यहाँ पे, 15,000 को डेबिट और 15,000 को ही क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट फॉर द रेजिडेंस ऑफ नितिन रुपीज 10,000 बाय चेक, पेड रेंट, रेंट दिया गया फॉर द रेजिडेंस, तो ये हमारी ड्राइंग्स है, ये हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट बनाएंगे, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और किससे पेमेंट की गई है चेक से, तो टू बैंक अकाउंट, कितने की पेमेंट की गई है यहाँ पे रुपीज 10,000 की, तो 10,000 को डेबिट और 10,000 को ही क्रेडिट। एंट्री है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फॉर द मंथ रुपीज 1,000 इन कैश, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे किए गए हैं कैश में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नाम से अकाउंट बनाएंगे,
इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नाम से हम अकाउंट बना सकते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट। कैश से दी गई है पेमेंट, तो यहाँ पे टू कैश अकाउंट। कितने की पेमेंट दी गई है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में? ₹1000। तो 1000 से डेबिट और 1000 से ही क्रेडिट कर देंगे। टेलीफोन चार्जेस, तो टेलीफोन चार्जेस का अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस के नाम से। तो टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू किससे पेमेंट दी गई है यहाँ पे? यहाँ पेमेंट दी गई है कैश में, तो टू कैश अकाउंट। कितने की पेमेंट दी गई है? 500 रुपीस की, 500 से डेबिट और 500 से ही क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है बॉट ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹25,000 अगेंस्ट कैश। ऑफिस फर्नीचर खरीदा गया है, तो यहाँ फर्नीचर अकाउंट, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। और फर्नीचर हमारा चेक से खरीदा गया है, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट। कितने का फर्नीचर खरीदा गया है? ₹25,000। तो 25,000 से डेबिट और 25,000 से क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री पेड मैसर्स हरी एंड कंपनी ऑन अकाउंट 50,000 बाय चेक। मैसर्स हरी एंड कंपनी को पेमेंट कर दी गई है चेक के थ्रू, तो यहाँ पे मैसर्स हरी एंड कंपनी को हमने चेक के थ्रू पेमेंट की है, तो हमारा बैंक अकाउंट कम हो रहा है, तो वो कम हो रहा है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे, और हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है यहाँ पे तो उसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि मैसर्स हरी एंड कंपनी को हमने पेमेंट करनी थी जिससे हमने परचेस किया था, तो लाइबिलिटी कम होगी तो मैसर्स हरी एंड कंपनी के अकाउंट को डेबिट। तो यहाँ मैसर्स हरी एंड कंपनी डेबिट टू, चेक से पेमेंट की गई है तो टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट की गई है मैसर्स हरी एंड कंपनी को? 50,000 की पेमेंट की गई है, तो यहाँ पे 50,000 से डेबिट और 50,000 से ही क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी रिसीव्ड फ्रॉम मैसर्स रमेश एंड कंपनी 15,000 बाय चेक। मैसर्स रमेश एंड कंपनी से हमें 15,000 रुपीस मिले हैं तो बैंक अकाउंट बढ़ा है, वो भी चेक से मिले हैं, तो इसीलिए बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मैसर्स रमेश एंड कंपनी। तो मैसर्स रमेश एंड कंपनी कितने की पेमेंट करी है? 15,000 की, तो यहाँ 15,000 डेबिट और 15,000 ही क्रेडिट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी प्लेस्ड ऑर्डर ऑफ गुड्स विद मैसर्स अभी एंड सन्स एंड पेड देम ₹20,000 बाय चेक। अभी एंड सन्स को हमने प्लेस्ड ऑर्डर की है और उसे पेमेंट करी है चेक की, लेकिन पेमेंट कितने की करी है? 20,000 की। जब हम किसी को ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम उसकी एंट्री कभी नहीं करते, क्योंकि गुड्स आए नहीं, ट्रांजेक्शन कोई हुई नहीं। ट्रांजेक्शन यहाँ पे सिर्फ कितनी हुई है कि हमने उसे 20,000 एडवांस में चेक दे दी है, तो हम सिर्फ जितने हमने चेक दिए है हम उसी की ट्रांजेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे अभी एंड सन्स को हम डेबिट करेंगे और हमारा बैंक अकाउंट कम हुआ तो उसे क्रेडिट। तो यहाँ मैसर्स अभी एंड सन्स इसे हम डेबिट करेंगे, क्योंकि इसे हमने पेमेंट जो बाद में देनी थी वो हमने एडवांस में दे दी है, ये हमारा एसेट हो गया है। एडवांस में जब हम किसी को पेमेंट करते हैं तो ये हमारा एसेट बन जाता है। तो यहाँ पे मैसर्स अभी एंड सन्स को डेबिट और पेमेंट हमने करी है उसे बैंक से, तो टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट करी है हमने यहाँ पे? उसे पेमेंट करी है 20,000 की, तो
तो 20,000 डेबिट और 20,000 ई क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी रिसीव्ड ऑर्डर फॉर गुड्स मेसर्स अजय एंड कंपनी ₹3,00,000। 3,00,000 का ऑर्डर मिला है, उससे हमें ऑर्डर मिला और उसने हमें एडवांस में पेमेंट कर दी, तो हम जो हमें इनकम एडवांस में मिल जाती है वो हमारी लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू मेसर्स अजय एंड कंपनी, तो यहाँ हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और मेसर्स अजय एंड कंपनी को क्रेडिट करेंगे। और कितने का अमाउंट अजय एंड कंपनी ने हमें पे करा है, अजय एंड कंपनी ने हमें 30,000 एडवांस में दिए, तो हम सिर्फ 30,000 की ही एंट्री करेंगे। जितने का ऑर्डर मिला है उतने की एंट्री हम नहीं करेंगे, जितना हमें एडवांस दिया गया है उतने की ही हम एंट्री करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है पेड ₹1,000 फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी के ₹1,000 पे किए गए हैं। तो यहाँ पे स्टेशनरी अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। और कितने से, और यहाँ पे कैश से पेमेंट की गई है, तो टू कैश अकाउंट। और कितने की पेमेंट हुई है स्टेशनरी में, 1,000 की, तो 1,000 से डेबिट और 1,000 से ही क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी नितिन विड्रू ₹10,000 फॉर हाउस होल्ड आउट ऑफ कैश, हाउस होल्ड के लिए 10,000 रुपीज़ नितिन ने विड्रॉ करे हैं। तो यहाँ पे ये हमारे ड्राइंग्स पड़े हैं, हाउस होल्ड का मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस, यहाँ हमारे ड्राइंग्स पड़े हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश निकाला गया है, तो टू कैश अकाउंट। और कितने अमाउंट निकाला गया यहाँ पे, 10,000 का, तो 10,000 से डेबिट और 10,000 से ही क्रेडिट। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम कॉपीज में भी एंट्री करते हैं। और ये है हमारी जर्नल एंट्रीज, यही हमारा प्रोसीजर होता है जर्नल एंट्रीज करने का, सेम यही प्रोसीजर हमारा कॉपीज में करने का भी है।